हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ। थोड़ा वीडियो हमारा इस बार फिर से लेट हो गया क्योंकि नवरात्रि में हम लोग काफ़ी बिजी हो गए थे और आइडियाज़ भी नहीं आ रहे थे। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं फिर से बहुत ही सस्ता सा, बहुत ही बढ़िया सा कैंडल होल्डर, और जो कि इतना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। हमें नहीं लगा था इतना अच्छा ये बन के तैयार होगा। तो कुछ एथनिक स्टाइल का हमने बनाया है, उसका वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आज। अगर पसंद आता है आपको ज़रूर लाइक करिएगा और आप हमारा वीडियो स्किप मत करिएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने कुछ इस तरीके का तार ले लिया है जो कि लोहे का है, बहुत सस्ता मिल जाता है मार्केट में, आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और इसको हम अपना शेप देंगे, जैसा कि हमें कैंडल होल्डर बनाना है उस तरह का हम इसको शेप देंगे। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे बहुत ही क्लियरली, देखिए हमने इसको थोड़ा सा पुश कर दिया है और इस तरीके से हम प्लास की हेल्प से इसको और अच्छे से शेप देंगे ताकि इसके अच्छे से हमें जो भी शेप चाहिए वो मिल जाए। ये देखिए, हमें कुछ इस तरीके का शेप मिल गया है और इसको हम और मोड़ेंगे इसी तरीके से। और दूसरा तार लेके हमने इसके अंदर से घुमा कर डाला है, देखिए आपको वीडियो में बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। और ये लास्ट वाला इसका जो पार्ट है इसको हमने थोड़ा मोड़ दिया है, मोड़ने के बाद हम इसमें जूट रोप का यूज़ करेंगे। और देखिए, इस तरीके से हम जूट रोप को लपेटते जाएंगे अपने तार में, कुछ नहीं करना है, बस इस शेप देने के बाद हमें जूट रोप को पूरे से लपेट देना है बहुत अच्छे से। देखिए, आधा हमारा अभी कंप्लीट हुआ है लपेटना, और जहां से आपको जूट रोप कंप्लीट हो जाए उसका लास्ट वाला पार्ट आपको कट कर लेना है। ये देखिए, हमारा इतना पार्ट अभी कंप्लीट हो गया, आपको शेप दिख रही होगी कुछ इस तरीके की, हैंड वगैरह और लेग्स दिख रहे होंगे। और इसी तरीके से देखिए, हमने बीच से फिर से जूट रोप को लपेट लिया है, कुछ इसकी पोशाक आपको समझ में आ रही होगी। और अब देखिए, हम इसका हेड बनाएंगे। हेड बनाने के लिए हमने न्यूज़पेपर लिया, उसको फोल्ड कर लिया, और फोल्ड करने के बाद देखिए हमने इस तरीके से तार में अपने इसको फिक्स कर दिया है और ऊपर से लगा दिया है फेविकोल, जिससे और अच्छे से ये फिक्स हो जाए। इसके बाद हम जूट रोप को अपनी इस पे भी लपेट देंगे पूरा अच्छी तरीके से, इसके हेड को हम लोग कवर कर देंगे। देखिए, हमारा हेड कवर हो चुका है और इसका लास्ट पार्ट हमने कट कर दिया है जूट रोप का। इसके बाद देखिए, हम ऊपर की पोशाक बनाने के लिए इस तरीके से जूट रोप को हमने गोल गोल इसमें लपेट दिया है। देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा और हमारा शेप बिल्कुल तैयार हो गया जूट रोप के साथ। देखिए, आपको अभी से समझ में आ रहा होगा। अब हमने देखिए पुराना यही सी दियाली लिया है और अपने कैंडल होल्डर को इस पे हम फिक्स कर देंगे, इसके लेग वाले साइड से हम दियाली पे उसको अच्छे से फिक्स कर देंगे ग्लू गन से। इसके बाद देखिए, हम कलर कर रहे हैं, लेग्स पे मैंने ब्लैक कलर कर दिया है और पोशाक आपको नीचे की दिख रही होगी उस पे हमने येलो कलर किया है, ऊपर की पोशाक पे हमने रेड कलर किया है। और ये देखिए, हमने एक दियाली भी इसके हैंड पे और हेड पे लगाई है जिसपे हमने गोल्डन कलर कर दिया, ये भी हमने फिक्स कर दी थी ग्लू गन की हेल्प से, फिक्स हो जाएगी। और आप मेरे पुराने इयररिंग्स पड़े हुए थे और वो भी हम इसको पहना देंगे कुछ इस तरीके से होल करके। ये देखिए, मैंने पहना दिया और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैंने इसको कैसे डेकोर किया है कैंडल के साथ। आर्टिफिशियल कैंडल मैंने यूज़ किया है। ये देखिए, इसका फाइनल लुक कितना बढ़िया लग रहा है, कितना एलिगेंट लुक आ रहा है इसका, बिल्कुल फोक लुक आ रहा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप भी चाहें तो आप इस बढ़िया से डेकोरेटिव आइटम को बिल्कुल सस्ते में आप बना सकते हैं और इसे आप दिवाली पर डेकोर करेंगे तो और भी बहुत बढ़िया आपके घर को लुक देगा। ये देखिए, मैंने अब लाइट ऑफ करके इसको लुक दिखाया आपका, इसका लुक तो और भी ज़्यादा अमेजिंग आ रहा है। और आपको भी इस तरीके के वीडियोस अच्छे लगते हैं क्रिएटिव, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसी तरीके के होम डेकोर सस्ते सस्ते क्राफ्ट के साथ अपने घर को सजाइए और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।